जो डॉक्टर्स अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और देख तो चिंता मत कर, पापा की कृपा से ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, सब ठीक हो जाएगा। देवा देवा देवा, अरे कितनी फूटी किस्मत है हमारी, अब एक गुंडे के लिए भी हमें आंसू बहाने पड़ रहे हैं। हाय, क्या है, क्या गलत बोल रही हूँ मैं? और तेरी ये अर्जु आती बहुत संस्कारों की दुआई देती बैठती है, अब कहाँ गए इसके संस्कार, घास चरने गए हैं? क्या नमूने बच्चे पैदा किए, एक बेटी है जो अपनी बहन के पति पर डोरे डाल दी, और ये बेटा गुंडा मवाली अपने ही पिता को किडनैप करने चला था। हाय धीरे बोल, क्यों क्यों धीरे बोलो, अरे डरती हूँ क्या किसी से? वैसे भी मंजू क्या बोलती है क्या सोचती है इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, अरे किसी को मेरे बोलने की कोई कीमत ही नहीं है। हॉस्पिटल कम से कम यहाँ तो क्या, यहाँ तो, अरे मुझे भी पता है कि हॉस्पिटल, और क्या गलत बोल रही हूँ मैं, और बस तू भी औरों की तरह ना मुझे चुप करवा, सबको सिर्फ मेरी गलती दिखती है, उन लोगों की गलतियाँ नहीं दिखा देती तुम लोगों को। हाय तू भी ना। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ऑपरेशन चल रहा है सर, बस पापा से यही प्रार्थना है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। तुम्हारे यू कॉल अप दी ऑफिस एंड कैंसिल ऑल माय अपॉइंटमेंट्स फॉर टुडे। सब लोग कहाँ हैं? आई के पास जाओ बेटे, तो बहुत जरूरी, इतना रोना उनके लिए ठीक नहीं। मैं जाके बहुत बस कहता हूँ, एक गिलास पानी का इंतजाम करता हूँ। पापा रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। ओबी तुम्हें इस वक्त अपने परिवार के साथ होना चाहिए। तुझे सोहम से मिलवाया ना, तो वो तुझे वापस उससे दूर नहीं ले जाएंगे। तो बिल्कुल चिंता मत कर, सोहम ठीक हो जाएगा। कहाँ है, कहाँ है मेरा सोना, सोहम कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में। मानो बेटा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं, हालात बराबर नहीं थे इसलिए तुझे तेरे नसीब ने साथ नहीं दी, लेकिन अभी अभी नसीब को तेरा साथ देना पड़ेगा, मेरे सोम को उसकी जिंदगी वापस देनी पड़ेगी बेटा। और देख देख ऐसा ही होगा बेटा,
मेरे सोम की सोम को उसकी जिंदगी मिलनी चाहिए मानव बस। अब वो खतरे से बाहर है। हम देख सकते हैं उसे? नहीं, अभी उसे जस्ट आईसीयू में शिफ्ट किया है और उन्हें होश में आने में काफी वक्त लगेगा। जैसे ही उन्हें होश आता है हम आप सबको वन बाय वन उनसे मिलने का मौका देंगे। कोई बात नहीं डॉक्टर, आप उसे आराम कर दीजिए। मैंने बहुत इंतजार किया, थोड़ा और इंतजार कर लूंगी, और इंतजार कर लू। पेशेंट को होश आ गया, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। अब आप ठीक हैं? आप पे गोली चलाई गई थी, दिल के करीब बहुत गहरा घाव था, लेकिन हमने ऑपरेशन से गोली निकाल दी है। अरे आप आराम कीजिए। डॉक्टर साहब मेरा बेटा कैसा है? उसे होश आ गया, अभी बताता हूँ मैं आपको। अब कैसा लग रहा है आपको? कैसा है आपका दर्द? डॉक्टर हम कहाँ हैं? हमारा मन बनता, हम जब पहले ही को देखे थे अस्पताल को और था, अभी अभी को और अस्पताल है, कहाँ है? उस वक्त आप दरभंगा के हॉस्पिटल में थे, इस वक्त आप मुंबई के सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। कहा? हमको मुंबई कौन? हमारे भाई बाबा कहा है, उनका मिलना हमको। एक मिनट, वो दोनों बाहर बैठे हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, वो भी आपसे मिलने के लिए परेशान हैं, और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा आप रेस्ट कर लीजिए, जरूर आपसे मिलेंगे। मैं नहीं भूल सकती कि उसने मेरे अर्जुन पे दो गोलियां चलाई। तू भी? चलो देख मानो बेटा, तू चिंता मत कर, वक्त के अनुसार सब ठीक हो जाए। जो बिकॉर तेजू का ख्याल रख, उन्हें खाना खिला दे। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें सब ठीक होकर आऊंगी। आराम कर लो, लेकर घर जा, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इन्हें आराम की जरूरत है। अगर दवाइयों की जरूरत पड़ी तो इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। भाई घर जाके आराम की जा। तो काफी सर्फ मार, अर्जुन
पूर्णिमा ने आज से ऑफिस ज्वाइन कर ली। ओके। आई गेस जो कुछ भी पास्ट में हुआ वो हम सबको अब भुला देना चाहिए। पूर्णिमा तुमसे एक बार मिलना चाहती। मिलने का फायदा क्या होगा? मुझसे मिलके करेगी तो मुझे मिले या ना मिले। She's already a part of the office, है ना? I know that. लेकिन वो एक चांस तो डिजर्व करती है ना। और वैसे भी अर्जुन वो मेरी कजिन है, तुम इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। पूर्णिमा सब मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं और आपका नाराज होना जायज भी है। मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं और मेरी गलतियों की वजह से आपने बहुत कुछ सहा है। गुड पूर्वी, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। थैंक्स। आज हमारी कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो सिर्फ तुम्हारे कारण है। तुम्हारी सिंसियरिटी, तुम्हारी स्मार्टनेस और तुम्हारे हार्ड वर्क के कारण। थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपना काम एफिशिएंटली किया है और बिना टीम वर्क के ये मुमकिन नहीं था। अगर टीम ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी हमें नहीं मिलता। नो पूर्वी, मिस्टर अग्रवाल बहुत ही कीन थे तुम्हें इस जॉब पे रखने के लिए। आई थिंक वी हैव मेड अ गुड डिसीजन ऑफ हायरिंग यू। आई होप तुम भी यहाँ काम करना एंजॉय करोगी। यस सर। ओके थैंक यू सर। Congrats, ma'am. Congratulations. Congrats, ma'am. Congrats, ma'am. Absolutely great job. कंपनी में आपका पहला दिन और पहले दिन आपने कंपनी का इतना बड़ा प्रॉफिट करवा दिया, क्या जादू कर दिया आपने? अरे जादू वादू कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ मार्केट प्राइस स्टडी करी, हमारे पुराने कॉम्पिटिटर्स के रिकॉर्ड चेक किए और टेंडर फिल कर दिया, बस। गुड जॉब मैम, आप अपना काम बहुत अच्छे से जानती। थैंक यू। Anjali Contractors, हमारे सबसे नए क्लाइंट। This is wow, amazing job, amazing job. Really? Yes, really. हम इस कंपनी को 3 महीने से भी नहीं जानते हैं and you bagged the deal. You know what? I am really proud of you. Superb job. Thank you. आप ठीक है तो फिर final. आज से OVT companies के सारे tenders मैं ही fill करूँगी, हाँ? Done. सारे के सारे tenders तुम fill करोगे. ऐसे भी हमारी शादी के बाद तुम्हारी और मेरी शादी के बाद तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाएंगी। मतलब ये कि हमारी शादी होने के बाद तुम मेरी बीवी बन जाओगी। उसके बाद यू आर नॉट गोइंग टू बी जस्ट एन एम्प्लॉय, तुम हो जाओगी द डायरेक्टर ऑफ OVT ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। सारे सारे डिसीजन तुम्हारे, एवरीथिंग इज गोना बी योर्स इंक्लूडिंग द बॉस। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने हैं, तो तब तक के लिए शादी वाला सीन साइड में रखें और थोड़ा काम पे ध्यान दें। Congratulations, ma'am. Thank you. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तेजू इस तरह से रिएक्ट करे, और तो और अब वो भी उसका साथ दे रही है। ना मैम, लेकिन मानव अगर तेजू को देखा जाए तो स्वाभाविक सी बात है, मानव ऐसी कोई भी रिएक्ट करता, हर चीज के लिए थोड़ा वक्त चाहिए मानव। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, समय के साथ साथ तेजू भी समझ जाएंगे। और सोहम, उसे कैसे समझाएंगे जब उसे पता चलेगा कि उसके असली माँ बाप हम हैं, तो कैसे रिएक्ट करेगा वो? तुमने देखा नहीं एडमिशन पेपर्स पर पिता की जगह पर मेरा नाम देखकर कितना गुस्सा हो गया वो? अर्चना वो तो वर्षा और बालन को ही अपने असली माँ बाप समझता है, जब उसे होश आएगा और उनके बारे में पूछेगा तो क्या बताएंगे उसे? मुझे भी इसी बात का डर है माना, कि हम क्या कहेंगे उसे, बस उसे एक बार होश आ जाए माना, फिर देखते हैं क्या करना है।
सर ये इंजेक्शन ले आइए। ये भी चाहिए? यस। हेलो। हाँ हेलो, मैं बोल रही हूँ। हाँ ही बोले। मानव को फोन नहीं कर सकती ना, इसलिए तुझे फोन किया। बेटा बता ना, सोहम कैसा है? अभी बेहोश है। अभी तक बेहोशी के हाल में है, कब होश आएगा उसको? डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? आई थोड़ा वक्त लगेगा, अभी नींद की दवाई दी है तो उसे होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मानव कैसा है? आई अभी ठीक है, बस उन्हें यही लग रहा है कि गोली उनकी वजह से लगी, अपने आप को माफ ही नहीं कर पा रहे। लेकिन अभी शांत है, बस सोहम को एक बार होश आ जाए फिर उसका ख्याल रखना बेटा। हाँ। अच्छा तूने खाना खाया क्या? नहीं खाया। अरे क्यों ऐसा करती है? दोनों में से कोई तो एक एक बाहर जाके खाना खा सकता था ना, सिर्फ दूसरों का ख्याल करते रहेगी क्या? खाना खा ले बेटा। सुन मैं घर से खाना लेके आती हूँ। नहीं आप टेंशन मत लीजिए आई, यहाँ हॉस्पिटल में कैंटीन है, मैं वहां से खा लूंगी। खाना खा लेना और अपना भी ख्याल रखना बेटा, और थोड़ी थोड़ी देर में मुझे सोहम के बारे में बताते रहना। जी रखती हूँ। ना मैं तो इसके साथ ही था, अचानक मुझे कॉल आ गया। अब जब तक मैं कॉल खत्म करता आपके लाडले निकल लिए आगे, और आगे तो चला गया, गिर गया। अब मैं जब तक उसके पास पहुंचू, इसे उठाया फिर ले आया मैं। आपको मजाक लग रहा है? मैं सच्ची कह रही हूँ आपसे, आप भी ना, हमेशा क्या मजाक। अरे सोम बेटा, कहो अपनी आई से कि ऐसी छोटी छोटी चोटें ही मुझे आगे चल के स्ट्रांग बनाएंगी, और फिर हमारा सोम बेटा अपनी आई की ताकत बनेगा, रक्षा करेगा, अपने आई के सारे सपने पूरा करेगा। अभी ये सब कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है। और साथ में गाड़ी में भी घुमाएगा। मानव इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं दे रही मुझे। अभी तो मेरा शाम छोटा है, वो बहुत सारा खेलेगा, है ना शाम? बचपन में सोहम को कहीं चोट लग जाती थी तो वो हमारे पास आकर रोया करता था। आज उसे इतनी बड़ी चोट लगी, इतना गहरा जख्म है, लेकिन फिर भी वो हमारे पास आके नहीं रोया। तो हमसे इतनी नफरत करने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा है माना, तो मुझे भी यही लग रहा है कि जब वो उठेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, कि हम उसके माँ बाप, कुछ ठीक हो जाएगा ना, कुछ हो जाएगा ना मानो। अरे तो हम क्या करें हम? हमको भी तो कुछ दिन पहले पता चला ना ये बात, और तूने पुलिस से बताना भी जरूरी नहीं समझा, हाँ? बल्कि छुपा के रखा उस बच्चे को उसके असली माँ बाप से। गुनाह तो तूने किया इसका साथ देकर, इसको अपने घर में पनाह देकर, और उसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। इंस्पेक्टर साहब, क्या हम एक बार
एक बार उसे फोन पर बात कर सकते हैं। उसे उसे जब होश आया होगा तो पता नहीं उसके साथ कौन होगा। मुझे पता है उसने उसने जरूर मेरे बारे में पूछा होगा। और अर्चिता और मानव जी जो ने सोहम को मेरे बारे में सब कुछ बताया होगा तो सोहम मुझे मुझसे नफरत करने लगेगा। नहीं नहीं उसकी उसकी नफरत मैं नहीं सह पाऊंगी। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज सिर्फ एक बार क्या मैं बात कर सकती हूँ उससे प्लीज। ये दरोगा साहब जरा पूछिए ना जरा हमारा बेटा कैसा है उसमें है ना जरा पूछ कर बताइए ना। हेलो इंस्पेक्टर आंग्रे। हाँ सर विष्णु हॉस्पिटल से भाग गया है सर। क्या भाग गया विष्णु भाग गया? तुम लोग क्या कर रहे थे तभी क्या सोए पड़े थे? सोम को पता तो नहीं चला कि हम उसकी असली माँ बाप नहीं है। फिर लाला तू यहाँ कैसे? फिर लाला तू ठीक तो है ना? हे माय कैसे है तू? बिस्तु हम बिल्कुल ठीक है लेकिन तू इतना जख्मी हो गया बिस्तु तू कैसा है? ठीक है माय मुझे चिंता मत कर अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था तू और कह रहे चिंता मत कर। तू अस्पताल से भागा क्यों? तुझे आराम की जरूरत है तो तुझे समझ में नहीं आता विष्णु? आई हम ठीक है और बाबा से मिले बगैर रानी के रिश्ते दौड़े हैं। हे दरोगा विष्णु कैसे दरोगा है आप बिना रेख बनोगे कोने में? वो बंद कर क्या टाइम आ गया मुझे दिन सिखाएगा हमें हमारी ड्यूटी क्या है? झूठा ही सब कुछ हमरे माई बाबा को ना जुर्म नहीं कर सकते झूठ लेकर ये मैं तुम ऐसे डर लियो का अंदर। ठीक है मैं झूठ बोल रहा हूँ ना सच्चाई अपनी माई और बाबा से पूछ ले सच्चाई। ए भाई देख रहे दलों का काम बोल रहा है कैसा सच्चाई? खैर वो क्या बताएगी सच्चाई मैं तुझे बता दूँ जो तेरे माई बाबा है ना वो हकीकत में तेरे माई बाबा नहीं है। कहाँ पक रहे हो? तू तो मुझ पर यकीन करेगा नहीं। चले फाइल पढ़ ले सारी सच्चाई पता चल जाएगी। पढ़ ले फाइल बल का निजाम हमारे सामने मत करो सीधे सीधे बताओ बात क्या है। ठीक है ये जो तेरे माई बाबा है ना वो तेरे माई बाबा नहीं है बस माई है ना वो हकीकत में तेरी मौसी है। मौसी अठारह साल पहले इसने तुझे तेरे घर से चुराया था और भागकर पटना गई थी जहां ये आदमी जो है ना ये दरोगा जबान संभाल के बात कर ये बात घास से निकल दरोगा। हे भाई इधर इधर काम हो रहा है बाबा इधर क्या दरोगा काम हो रहा है देख नहीं वो झूठ बोल रही है विश्वास मत करना उसकी बात का। हे भाई ये पर्दी की इज्जत कर रहे हैं हम तो जानत नहीं है ससुरा हमारी माई बाबा के खिलाफ बोलने का अंजाम कहां हो बताए। रामद भाई हम तो और बाबा को यहाँ से निकाल लेंगे फिक्र मत कर इनकी बातों में आके रबर सक नहीं करेंगे मैं फिक्र मत कर ले जाएंगे तो रुको मैं। इंस्पेक्टर साहब जो भी कह रहे वो सब सच है लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि
मुझे तुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ा। तू मुझसे पूछता था ना, माई तू मुंबई से इतना डरती क्यों है, क्यों वहां जाने से इनकार करती है? क्योंकि ये है उसकी वजह, तेरा परिवार यहाँ है मुंबई में, और मैं नहीं चाहती थी कि तू कभी भी उनसे मिले, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तू कभी मुंबई जाए। तुझे याद है जब मुझे पता चला कि तू मुंबई में किसी केस में फंस गया, तो मैं सबको छोड़कर तुरंत यहाँ पर चली आई ताकि मैं तुझे यहाँ से दूर ले जाऊं, ताकि तू अपने परिवार के कभी पास ना आ सके। हम तुझे शहर से दूर ले जाना चाहते हैं। वो तो हम भी जानते हैं माई, लेकिन हमको एक बात समझ नहीं आता है, तो क्या इस तरह से प्रॉब्लम का? विष्णु जब से तू यहाँ है, तुम्हारे साथ एक के बाद एक अब तक हो रहा है। माई, पता है इका ही शहरी लोग इका का कहते हो? एस्केलेटर्स। तुरा को कैसे पता? वो औरत वहां पर बतिया रही थी हमका। भला वो पूर्वी जो सही वक्त पर आकर अपना बयान दे दी। पूर्वी मतलब अच्छुताई की बेटी? आ, कौन ताई? का बोली माई? लेकिन जब मुझे वकील साहब ने बताया कि वो तुझे इस केस से छुड़ा लेंगे, तब मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। लेकिन उस दिन जब मैंने पुलिस स्टेशन में मानव जीजू को देखा, तब मुझे पता चला कि तू अपने खुद के पिता को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। अपने खुद के पिता को भी तो। और मैं इतने दिनों तक अर्चुताई और जीजू से खुद को छुपाती रही, मैं उनके सामने नहीं आना चाहती थी। तुझे याद है जब कोर्ट में मुझे गवाही देने के लिए बुलाया गया, तब मैं वहां से भाग गई क्योंकि मैं डरती थी, मैं उनके सामने नहीं आना चाहती थी। विष्णु, तुझे याद है तू जमानत पर छूटने के बाद जब उनके घर के बाहर उन्हें धमकी देने पहुंच गया था, मैं वहां पर आकर तुझे थप्पड़ मारकर वहां से ले गई थी। भाई तनी हमारी बात तो सुन, तू यहाँ कर क्या रही है? मैं नहीं चाहती थी तू उनके सामने आ जाए विष्णु, मैं नहीं चाहती थी। एक बात बताइए, उसका जेल में रहना जरूरी है? मतलब अर्चना जी, हमने उसे पहले जब उसको जमानत मिली थी, हमने उसे पहले भी वॉर्न किया कि इस बार अगर उसने कोई गलती की तो उसका जुर्म नॉन अवेलेबल होगा, और उसने बहुत संगीन जुर्म किया है। सॉरी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ भी करेगी अदालत करेगी। अगर मैं अपना केस वापस ले लूं तो? I'm sorry, मिस्टर मानी, हम ये नहीं कर सकते। विष्णु एक मंझा हुआ बदमाश है और उसके ऊपर कई क्राइम के केसेस चल रहे हैं, हम उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। सॉरी मिस्टर मानो, एक पिता होने के नाते आप केस वापस ले सकते, लेकिन हम नहीं। थैंक यू। आपके बेल के कागजात, मिस्टर मानो आपने बिना लाइसेंस के रिवॉल्वर से अपने बेटे पर गोली चलाई, इसी वजह से दरभंगा पुलिस ने आपके खिलाफ केस दर्ज किया। जैसे ही आप मुंबई वापस लौटे, दिग्विजय जी ने कमिश्नर साहब से बात करके आपकी बेल तो करा दी, लेकिन ट्रायल तो आप पे चलना ही है, क्योंकि कानून सबके लिए एक है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर कोई शातिर बदमाश। ठीक है सर, कानून जो मुझे सजा देगा मैं भुगतने के लिए तैयार। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।